birthday. Hi, how are you? Hello. Hi everyone, this is your very own Ankita Sharma और Ankita's World में आप सभी का एक और फिर से स्वागत है। So guys, आप मेरे पीछे देख सकते हो आज कितनी सारी गाड़ियां यहाँ पर लगी हैं। ये हो गई है हिमाचल में इलेक्शंस की तैयारी। So you can see, सारी है ऑन इलेक्शन ड्यूटी। तो मतलब मुझे अभी तो कुछ नहीं लिंक मेरा ऐसे इलेक्शन से, तो मैं अभी जा रही हूँ मॉल रोड, मतलब ब्रिज की तरह मैं जा रही हूँ। मेरा एक बहुत पुराना फ्रेंड है, वो मुझसे मिलने आ रहा है। मतलब ऐसे नहीं कि वो मुझसे मिलने आ रहा है, स्पेशली ही वॉज हेयर फॉर सम वर्क। सो तो मतलब मुझे उसका फ़ोन आया कि वो हिमाचल में है। ही इज़ नॉट फ्रॉम हिमाचल एक्चुअली, ही बिलोंग्स टू, मैं थोड़ी देर में बता दूँ कहाँ से है वो। तो अभी फिर वो मतलब हम लोग अप्रॉक्सीमेट 8 साल बाद मिलने वाले हैं। तो मैं अपने 8 साल पुराने दोस्त से आज मिलने वाली हूँ जो कि हिमाचल से बिलोंग नहीं करता। तो बने रहिए मेरे साथ और देखने के लिए कि मैं जिस फ्रेंड से मिलने वाली हूँ वो कहाँ से है और कौन है। तो स्टे ट्यून्ड विद मी अंकिता शर्मा। तब तक के लिए आप इंजॉय करिए ये शिमला की हसीन वादियाँ, क्योंकि मेरे वीडियो पता नहीं आपको दिखेंगी या नहीं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू शो यू। लीव इट हियर, फिर मिलते हैं आगे। तो वो देखिए ऊपर हनुमान जी, वहाँ से हम सबको देख रहे थे और हनुमान जी सबको देखते रहते हैं यहाँ से कौन क्या कर रहा है। तो बचे रहिए हनुमान जी की नज़रों से। यू आर अंडर दी कवरेज ऑफ हनुमान जी की आईज। तो ये देखो हसीन वादियाँ, लेकिन जो ये वाली तारे ना ये मुझे बहुत बुरी लगती है, क्योंकि ये ना यहाँ का व्यू ख़राब कर देती हैं। चलो कहीं ना कहीं से ये हसीन वादियाँ आपको देखने को मिल ही जाती हैं। सो गाइज, बी अवेयर ऑफ मंकीज, क्योंकि अगर आपके पास कुछ खाने की चीज़ है तो ये ऐसी छीन लेंगे आपसे। सो गाइज, अब मैं स्कैंडल पॉइंट पहुँच चुकी हूँ और अभी वो लोग आ रहे हैं लिफ्टों के ऊपर, तो शायद वो हाफ रास्ते में मुझे मिल जाएंगे। तो आपसे मैं थोड़ी देर में मिलाती हूँ अपने फ्रेंड को। जब भी 5 बजते हैं ना तो शिमला में इस तरह का हॉर्न बजता है, बट अब तो ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। और ये देखिए शिमला का हेरिटेज, जो कि फूड स्ट्रीट भी थी क्योंकि बंद पड़ा है अनफॉर्चुनेटली। और ये देखो नाटी लगाना चाहते तो नाटी लगा लो वहाँ जाके। तो ये देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आई वॉज देयर स्कैंडल दैट टाइम, बट नाउ हम आ गए थोड़ा सा आगे और यहीं ऊपर है झांसी पार्क, रानी लक्ष्मी बाई पार्क, जहाँ पर मतलब आप घूम सकते हैं, आप चिल आउट कर सकते हैं। और ये आप ऊपर देख रहे हो, ये आपको सीधे जाकू टेम्पल के नज़ारे यहाँ से देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे मैं ढूंढ रही हूँ वो मुझे कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं लोग। तो लेट्स गो थोड़ा सा और आगे। सो गाइस लुक हु इज हियर, हिमांशु शर्मा इज हियर। कितने सालों बाद मिल रहे हैं अपन? 8 क्यों, अपन पीछे भी तो मिले थे। हाँ मतलब हमको फिर भी 7 साल हो गए क्या? हाँ वैसे 7 सालों बाद हम मिल रहे हैं। 2017 में मिले थे बैंगलोर। 16 में नहीं था वो यार, राजस्थान से वैसे तो ये हिमराज वाली फ्रेंडशिप है, हिमाचल और राजस्थान वाली है ना। तो अब हम जा रहे हैं कहीं पर पता नहीं कहाँ, जहाँ रास्ता लेके जाए, जहाँ ये ले जाए। बस ये सारा ही वैसे रिज मॉल स्टार्ट है, ये मॉल रोड ही है सारा। हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको शिमला में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने साल बाद आया मैं? क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पे? क्या अच्छा लग रहा है तुझे यहाँ पे? पहाड़ 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 तो दिख भी नहीं रहे हैं यहाँ पे, अच्छा दिख रहे हैं पहाड़ एकदम शांति। 8 बजे बाद तो कोई लेवन देवानी नहीं है, कोई कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं। अच्छा ये चर्च है सबसे बड़ी बात। अब बोल सबसे बड़ी बात, एकदम प्योर एयर। प्योर एयर राजस्थान में नहीं मिलती है। प्योर नहीं मिलती राजस्थान में, आपको प्योर एयर मिलेगी सुबह सुबह 5-6 बजे 7 बजे मॉर्निंग वॉक करते हुए। हाँ मॉर्निंग वॉक कर सकते हो आप। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट, इस समय हमारे वहाँ टेम्परेचर 43 हो रखा है और यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे तो अच्छा टेम्परेचर है यार, ठंड है यहाँ पे, ठंड है। सी हमने ऐसे से मोटे मोटे कपड़े पहने हैं। ये तो वहाँ तो सिंगल टी शर्ट ही काफी है, टी शर्ट से ज्यादा कुछ पहने। और यहाँ पे क्या बुरा है ये बताओ लोगों को? बुरा तो कुछ नहीं है, बंदर बंदर यहाँ के बुरे हैं। बंदर भी नहीं, बंदर तो राजस्थान के बुरे हैं। हाँ राजस्थान में भी होते हैं। अच्छा
बंदर छोड़ते नहीं है वहाँ के, ये भी नहीं छोड़ते हैं यार। खाने वाले बंदर हैं एकदम प्रॉपर, खा जाएंगे। और सबसे अच्छा लग रहा है क्या तेरे से मिलके, इतने साल बाद, 6-7 साल बाद। अच्छा, ये तो यहाँ देखो, बोल दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 6-7 साल बाद मिलने का एक्सपीरियंस। सो गाइस, अभी कर रहे हैं हम सवारी राइड विद बाइक। तो अगर आप भी, मतलब मुझे ये ज़्यादा आइडिया नहीं था कि यहाँ से टैक्सीज कहाँ से मिलती हैं, तो आपको रिच के बिल्कुल साथ से टैक्सीज मिल जाएंगी, वो भी गवर्नमेंट वाली राइड विद गाइड। तो आप भी अगर जाकू टेम्पल जाना चाहते हो और आप मतलब पैदल नहीं जाना चाहते, तो आप लेके जा सकते, आप भी जा सकते हो हमारी तरह राइड विद प्राइड में। तो इस राइड विद प्राइड में आए हैं मुँह पर, और ये ना वैसे 9:30 से 5:30 तक चलती है, लास्ट टू लास्ट। तो आप भी आ सकते हो, ये बिल्कुल रिज के साथ से चलती है साथ में। तो इसमें मात्र 20 रुपये में आप आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ये देख रहे हो आप टेम्पल। हाँ जी, ठीक है। तो ये इस वाले रास्ते को हम पिक करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर लगे हैं एक्सीलेटर। तो अभी हम जाते हैं यहाँ से ऊपर हनुमान जी के दर्शन करने। आया है लड़का राजस्थान से, हनुमान जी का भक्त। तो ये देखो, ये आप देख रहे हो एंट्रांस ये जाकू टेम्पल का, और यहाँ लड़का जहाँ खड़ा है वहाँ से आप एक्सीलेटर की सवारी कर सकते हैं। पता नहीं मैंने ठीक बोला या नहीं बोला, अगर नहीं बोला तभी मुझे माफ़ कर देना। तो ये वैसे पुराना वाला रास्ता है, स्टेयर्स वाला, जिसको कम लोग पिक कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद जब यहाँ पे फी लेना शुरू कर देंगे उसके बाद यहाँ से कोई नहीं जाएगा। तो अभी हम यहाँ से जाते हैं। हम जा रहे हैं एस्केलेटर में। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा। तो ये देखो हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब कुछ इस तरह कर, देखो तो थोड़ा सा नहीं, काफ़ी लंबा है वैसे। पैसा कहीं तो लगाना था गवर्नमेंट ने, तो ये देखो यहाँ पे एक एक्सीलेटर ख़त्म हुआ, उसके बाद यहाँ से आपको फिर सेकंड ज्वाइन करना। इट्स लाइक लिफ्ट, जैसे हाँ में आप लिफ्ट छोड़ते हो ना, वैसे ही आपको यहाँ पर भी इंजॉय करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा फिर चेंज करते करते, है ना। एक मंदिर है हाँ, और जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलने वाले होंगे आपको दिख जाएंगे हनुमान जी सीधा का सीधा। हाँ, द ह्यूज हनुमान जी देखो, ये है हमारे हनुमान जी। जय हनुमाना। ये देखो इतनी हाइट से हनुमान जी शिमला वालों को देखते हैं। ये देखो, ये है कुछ ऐसा मंदिर यहाँ पे, और ये है मेन मंदिर। और यहाँ पर वैसे भंडारा भी लगता है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कौन से बार को, लेकिन शायद मंगलवार को लगता है। तो ये है यहाँ का मंदिर, ये यहाँ का मंदिर प्रांगण, जहाँ पर आपको बंदर दूर दूर तक दिखाई देंगे। तो अभी हम आ गए हैं दर्शन करके, और अब हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। लेट्स सी, यहाँ पता हम कैफे अंडर ट्री है यहाँ बिल्कुल साथ में, इसके बिल्कुल पीछे इस वाली साइड पर, हो सकता है शायद हम वहाँ जाएँ, लेकिन मेरे क्या मज़े हैं। जय हिंद, जय हिंद। ये देखो और एटीट्यूड बारी, ये यहाँ का जैसे हमें ना ये टेंपल है, हमने सारा गार्डन क्रॉस किया, फिर हम आए इस वाली साइड को। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ है कैफे अंडर ट्री, ये है। ये है कैफे अंडर ट्री। हाँ, मतलब मुझे ऐसे बैठने के लिए ठीक लगता है, ओपन तो है, मतलब देख लेंगे अगर कॉफ़ी वगैरह कुछ पीना होगा ना, तब कह रही हूँ। कोई भी नहीं है यहाँ, ओह सो सैड, खाली खाली कैफे। ये देखे छोटे छोटे फ्लावर्स, प्यारे प्यारे फ्लावर्स, आई लाइक इट, आई लाइक इट। बनाए दोनों वीडियो यहाँ। हाँ, ये दिखा रही हूँ आपको, ये है कैफे अंडर ट्री। तो ये ना ऐसे देखो दीवार के साथ ही जुड़ा हुआ है, और ये नेचुरल ग्रास के अंदर, जो कि मुझे अच्छा लगता है ये वाला ग्रास। और इसमें ना छोटे छोटे फ्लावर्स भी आते हैं कुछ टाइम बाद आने वाले हैं, तो ये नेचुरल है सारा सी, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और ये इनका एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, उठाते हुए हम।
कैंडल्स है ना, हाँ सॉफ्ट वैक्स कैंडल्स, नाइस ग्रो, इसकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, तुम आज ट्राई करना है ना, नाइस सीम्स गुड, डबल लिया है, हमने लिया है फ्रेंच फ्राइज, जो कि मुझे क्वांटिटी देख के थोड़ा बुरा लग रहा है, इट इज टू लेस, बट ये है कॉफी हेजलनट और कैरेमल, अब पता नहीं कौन सी वाली कैरेमल है कौन सी वाली हेजलनट है, क्योंकि दोनों एक जैसी लग रही है देखने में, है ना, करो कैसी लग रही है फ्रेंच फ्राइज, कैसी है हिमांशु, ठीक है, ठीक है, ओके, सॉल्टी सॉल्टी कर, सो गाइस चीयर्स टू कॉफी पार्टी, कॉफी फ्राइज, देखो ऐसी फील आ रहा है जैसे टकबक टकबक करके घोड़ा चल रहे हैं, अब हम ऐसे दौड़ पा रहे हैं, स्पीड 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 अप गाइस, तो ऐसी स्टेयर्स है यहाँ से आप पैदल जा सकते हो वापस, अगर आप मतलब इंटरेस्टेड हो तो, फ्रेंड्स के साथ आए हो तो मज़ा आने वाला है, ठीक है, अकेले अकेले तो आपको लगेगा कि ओहो यार कहाँ पहुँच गए, लेकिन अच्छा है वैसे, देखो पूरा आपको रेन रूफ मिल रहा है यहाँ पे बढ़िया वाला, तो आप इंजॉय कर सकते हैं, आराम से आ सकते हैं यहाँ पे, है ना, कैसे लग रहा है हिमांशु फिर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, वॉक इनटू द नेचर, इट्स ऑलवेज गुड, अंग्रेजी वाला हिंदी वाला बस बस हमने अब नीचे पहुंच गया रिज और लड़के को लेनी है फोटोज, क्योंकि कहाँ आएगा बेचारा, है ना, फिर से शिमला, तो अभी ढेर सारी फोटोज लेके जाएगा, फिर यहाँ पे अपनी स्टोरीज में डाल डाल के लोगों को चढ़ाएगा कि मैं शिमला घूम के आया हूँ है ना, है ना, ब्लॉग में आना चाहिए, मैं अच्छे से सेपरेट ब्लॉग बनना चाहिए, हाँ 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 राजस्थान से आया मेरा दोस्त, पहले गाना गा के सुनाते हैं, फिर फायदा है ना डाल के, यार राजस्थान से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, सलाम क्या करना, नमस्ते करेंगे हम, नमस्ते नमस्ते, आलू खाओ सस्ते, हम आपको कुछ नहीं समझते, बस बस। चलो सो गाइस, मैंने आज हिमांशु की इतनी सारी फोटो ले लिया ना, और इसकी इतनी सारी वीडियो बना ली, इतनी तो शायद ही किसी ने इसकी बनाई होगी, या फिर किसी ने भी इसकी आज तक इतनी फोटोज दी होगी, मेरा फोन आज इस लड़की की फोटोज और वीडियो से फुल है, मतलब मैंने अपनी हार्डली एक एक वीडियो भी नहीं बनाई होगी, मतलब मैं तो ब्लॉग ही बना रही थी ना, मैंने ऐसी वीडियो तो नहीं बनाई, थैंक यू सो मच अंकिता जी, ट्रिप कराने के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्टेंट रिकॉर्ड करने के लिए, हाँ है ना, चल ठीक है मैं जा रही हूँ, बाय बाय बाय, साइनिंग ऑफ, मैंने कर दिया अभी हिमांशु को सी ऑफ, और अब मैं जा रही हूँ जल्दी से रूम, क्योंकि टाइम मतलब हो गया है काफी ज्यादा, 7 बज चुके हैं, और देखो मुझे फिर से कोई मिला, हाय दी, हाय हाउ आर यू, हेलो, हेलो दी, हम भी आ गए, चलो ठीक है, बाय, तो ये थे मतलब मेरे सीनियर होते थे ये कॉलेज में, तो ये मुझे फिर से मिल गए, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आप ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।